दिल्ली में संपन्न हुई राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन कर 3 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। इस साल चीन में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भी हरियाणा देश का प्रतिनिधित्व करेगा। हरियाणा कौशल विभाग के मिशन निदेशक ने बताया कि प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि प्रदेश के लगभग 45 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता में भाग लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा अपने कौशल का लोहा मनवा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अव्वल आ रहे हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन की उप निदेशक ने उम्मीद जताई कि चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में युवा बेहतरीन प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन के लिए एक बेहद गर्व का विषय है कि हरियाणा के लगभग 45 छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया था, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए जो कि चाइना में 2022 में होने वाला है शंघाई में। उसमें हरियाणा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व इन सभी विजेताओं ने जोनल, राज्य व रीजनल स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया व विजेता बने व इस प्रतियोगिता के लिए अपनी जगह बनाई। इसी दौरान इन सभी प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार व HSDM द्वारा बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्रदान की गई। विद्यार्थियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में कौशल विकास मिशन का विशेष योगदान रहा है और अब उनका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराना है। मिशन की ओर से इंडिया स्किल 2021 में भाग लिया और अभी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और हरियाणा विकास कौशल मिशन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी मैं आगे जो चाइना संघाई में हमारा कंपटीशन होने वाला है वहाँ से इंडिया के लिए गोल्ड मेडल विन करूँगा। मैंने अभी सिल्वर मेडल जीता है इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में।